हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने पिनेकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं और आज का टॉपिक है मंदिर। इससे पहले हम नदियाँ और नदी घाटी परियोजनाओं पर 100+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे पुराने सेशन देख सकते हैं। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में मंदिर। तो फ्रेंड्स, मंदिर में हम आज भी 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम इससे पहले एक सेशन बना चुके हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आज है दूसरा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, सेशन शुरू करने से एक बात पहले और कि सेशन को बहुत ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण का मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? ग्वालियर दुर्ग, गिन्नौरगढ़ दुर्ग, ओरछा दुर्ग या रायसेन दुर्ग? तो इसका आंसर बनता है ओरछा दुर्ग। फ्रेंड्स, 17वीं सदी में वीर सिंह द्वारा निर्मित जो ओरछा का दुर्ग है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है और इस दुर्ग में चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर ये सब दर्शनीय है। तो इसका आंसर बनता है ओरछा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन गुप्तकालीन मंदिर नहीं है? इन ऑप्शन के आधार पर देखना है कि कौन सा मंदिर जो है वो गुप्त काल का नहीं है। इसका आंसर आता है ग्यारसपुर मंदिर। फ्रेंड्स, ग्यारसपुर मंदिर जो है वो प्रतिहार शासकों द्वारा बनाया गया था, बाकी जो है वो गुप्तकालीन मंदिर है, जैसे उदयगिरी, सांची और तुगबा के जैन मंदिर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। भूमिड शैली के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? भूमिड शैली होती है और उनके जो मंदिर है वो किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? परमार वंश, चंदेल वंश, कच्छप घात वंश या कलचुरी वंश? तो इसका आंसर आता है परमार वंश। फ्रेंड्स, परमार वंश द्वारा भूमिड शैली के मंदिर पंचायती निर्माण के लिए जो है वो निर्मित किए गए थे, यानी कि पंचायत के लिए किए गए थे और शिल्प ग्रंथों के मान्य सिद्धांत पर ये आधारित थे। फ्रेंड्स, ये मंदिर जो है वो भूमि से उदयमित होने के लिए जाना जाता है। अब भोजपुर का मंदिर शिव को समर्पित है जो कि राजा भोज ने इसे बनवाया था। भूमिड मंदिर का क्वेश्चन है तो यह परमार वंश के शासकों ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। कच्छपात मंदिर, कच्छप घात मंदिर स्थापत्य कहाँ देखने को मिलता है? कच्छप घात मंदिर का स्थापत्य कहाँ देखने को मिलता है? ग्वालियर में, उज्जैन, खजुराहो, विदिशा या उज्जैन? तो इसका आंसर आता है ग्वालियर में। फ्रेंड्स, ग्वालियर के किले में सासबहू का मंदिर है और अन्य मंदिर जैसे कि कन्मठ सुहानिया का मंदिर, कदवाहा के मंदिर और ये सब कच्छद्वार स्थापत्य कला के उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 11वीं 12वीं सदी की जैन प्रतिमा मिली है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 11वीं 12वीं सदी की जैन की प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर आता है कसरावद। फ्रेंड्स, कसरावद में 11वीं 12वीं सदी की जैन प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में भास्कर मंदिर कहां पर है? इसका आंसर आता है बालाजी। भास्कर मंदिर जो है वो बालाजी। अब भास्कर मंदिर बालाजी यानी कि दतिया से 17 किलोमीटर दूर उन्नाव में बालाजी नाम का एक स्थान है जो प्राचीन काल से ही बालाजी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भगवान भास्कर का विशाल मंदिर है जो कि पुष्पावती नदी के तट पर बसा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बड़े बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बड़े बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बालाजी में, कुंडलगिरी में, नाफ्था में या धर्मत में? तो इसका आंसर बनता है कुंडलगिरी में। फ्रेंड्स, कुंडलगिरी कहाँ पर है? यह भी दमोह में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। भैंसदेही का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में है? भैंसदेही एक जगह है। भैंसदेही जो मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित है, यानी भैंसदेही का प्राचीन का शिव मंदिर जो है वो किस जिले में है? भिंड में, छतरपुर में, बैतूल में या धार में? तो इसका आंसर आता है बैतूल में।
चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश की प्रतिमा कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आता है इंदौर में। फ्रेंड्स बहुत ही जानी मानी प्रतिमा है यह, 25 फीट ऊंची प्रतिमा है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है, जो कि बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इंदौर में है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर लगभग पुराना है। इसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि उज्जैन का जो मंदिर है महाकाल का, वो कितने वर्षों पुराना है? तो इसका आंसर आता है 250 वर्ष। यह मंदिर 250 वर्ष पुराना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उज्जैन में जो गोपाल मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? दौलत राव ने, बायजावाई ने, विक्रमादित्य ने या भद्रसेन ने? सॉरी, तो इसका आंसर आता है बायजावाई ने। फ्रेंड्स इस मंदिर का निर्माण महाराजा दौलतराव सिंधिया की महारानी बायजाबाई शिंदे ने कराया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स इसका आंसर चलते हैं कमाल मौला की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, धार में है। फ्रेंड्स इसके है थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देती हूँ। परवार वंश की राजधानी जो है वो धार है, जो कि भोजपुर के नाम से भी जुड़ी है, और यहीं पर कमाल मौला की मस्जिद स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश संसार का ऐसा कौन सा मंदिर है, यानी मध्य प्रदेश में संसार का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके पट वर्ष में सिर्फ एक बार ही खुलते हैं? मध्य प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जिसके पट वर्ष भर में सिर्फ एक बार ही खुलते हैं, और सिर्फ नागपंचमी के दिन खुलते हैं 24 घंटे के लिए। तो इससे आपको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर आने वाला है नाग चंद्रेश्वर का मंदिर। फ्रेंड्स यह मंदिर की विशेषता है कि यह साल में सिर्फ एक बार, और वो भी नागपंचमी के दिन 24 घंटों के लिए खुलता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश के इस मंदिर में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर प्रवेश करना होता है, यानी कि अमृतसर की तर्ज पर, यानी कि यहाँ पे भी पैर वगैरह धो के जाना पड़ता है। तो इसका आंसर बनता है पशुपतिनाथ। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो स्थित पशुपतिनाथ के जो मंदिर है, वहां के गर्भगृह में अब श्रद्धालुओं को अमृतसर स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर जलकुंभी में पांव धोने के बाद ही बाबा के दर्शन हो पाएंगे। सावन के माह में 2007 से यह व्यवस्था लागू हुई है, यानी कि आपको जलकुंभी में पहले पेट धोने हैं, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करना है, और ऐसा ही अमृतसर में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल यानी कि घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्लॉक टेम्पल यानी घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है? इंदौर में, उज्जैन में, झाबुआ या अनूपपुर में? तो इसका आंसर बनता है इंदौर में। क्लॉक मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर में, और बड़ा गणपति भी इंदौर में प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट पे। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदर झीलों के लिए, अद्भुत मंदिरों के लिए, विशाल किले के लिए या बाघ अभयारण्य के लिए? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स यहाँ के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? आपको पता होगा यह मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाया था, 950 से 1050 ईसा के मध्य बनाया था, और यहाँ पर कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये सारे मंदिर खजुराहो में स्थित है, और किस लिए प्रसिद्ध है? अद्भुत मंदिरों के लिए ही यह जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स लाट की मस्जिद, इसको मीनार की मस्जिद भी कहते हैं, जो कि जैन मंदिरों के खंडर पर निर्मित है। तो यह कहाँ पर है? यह धार में है, और इसका निर्माण अगर पूछे तो इसका निर्माण हुआ था 1405 में। लाट की मस्जिद धार में है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अमरकंटक को किसके नाम से भी जाना, यानी अमरकंटक को इस खालिस्तान में भरना है कि अमरकंटक को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आता है तीर्थराज, यानी अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ताजुल मस्जिद जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक मानी जाती है। कहाँ पर है? उज्जैन में, ग्वालियर में, भोपाल या जबलपुर में? तो इसका आंसर बनता है भोपाल में। फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है यह, भारत और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक मानी जाती है। चलते नेक्स्ट पे, अधूरा लेकिन एक अद्भुत शिव मंदिर राजा परमार द्वारा निर्मित कहां पर स्थित है? यहाँ पे डैश लगाना भूल गए हैं। तो अधूरा है, एक मंदिर है जो कि शिव जी का है, परमार राजा ने बनाया था, पूरा नहीं बनाया, अधूरा बनाया लेकिन निर्मित किया है। किस कहां पर है? उज्जैन में, खजुराहो में, भोजपुर में या ग्वालियर में? तो इसका आंसर बनता है भोजपुर में। भोजपुर जो कि रायसेन में है, रायसेन भोपाल में है, बेतवा के तट पर है और विंध्य पर्वतमाला के मध्य पहाड़ी पर स्थित है। चलते नेक्स्ट पे, ताजुल मस्जिद कौन सी कला की उत्कृष्ट कृति है? ये दी जो है वो गलती से लगाया गया है। ताजुल मस्जिद किस कला की उत्कृष्ट कृति है? तुर्की, मुगल, मैसेडोनिया या यूनानी? तो इसका आंसर आता है मुगल। ताजुल मस्जिद मुगल कला की उत्कृष्ट कृति है। फ्रेंड्स, ताजुल जो है इस मस्जिद का कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासन के काल में प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद में भारत सरकार ने पूरा करवाया। और ताजुल का मतलब होता है मस्जिदों का ताज। आपसे अगर पूछे ताजुल मस्जिद का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मस्जिदों का ताज। ताजुल का मतलब मस्जिदों का ताज। चलते हैं नेक्स्ट पे, बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर किसके पास स्थित है? इस खालिस्तान में भरना है कि बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर है? उज्जैन के पास, मांडू, नरसिंहगढ़ या भोजपुर? तो इसका आंसर बनता है नरसिंहगढ़। फ्रेंड्स, इसमें जो मुख्य स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक महान ने करवाया था। इन्हें 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्न में से कौन सा शहर बौद्ध धर्म का एक पवित्र शहर के रूप में विख्यात है? यानी ऐसा कौन सा शहर है जो बौद्ध धर्म के एक पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है? फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने बोला था विश्व धरोहर स्थल में शामिल, वो नहीं है, इसके बाद का आंसर है वो। निम्न में से कौन सा शहर बौद्ध धर्म का एक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आता है सांची, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और इन्हें 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश के खजुराहो की मूर्तियां भगवान को समर्पित है? मध्य प्रदेश में जो खजुराहो की मूर्ति है कौन से भगवान को समर्पित है? कृष्णा को, बुद्ध को, महावीर को या शिव भगवान को? तो इसका आंसर बनता है शिव भगवान को। खजुराहो में जो मूर्तियां बनाई है ये भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है और भगवान शिव को समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इन ऑप्शन के आधार पर देखना है कि कौन सा मंदिर जो है वो खजुराहो में नहीं है। तीन मंदिर जो है खजुराहो में, इसमें से एक है जो खजुराहो में नहीं है, कंदरिया महादेव का, 64 योगिनी का, दशावतार का या चित्रगुप्त का? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, नदियों का चैप्टर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।